हुआ होगा। पाँच आदमी इकट्ठे हुए, उसको हम सोचे कि उसको मार दें। तो सांप को हम लोग घेरे बने इधर आया, इधर से अब बस इतने ही दूर में सांप था, यहाँ पे कहीं तो वहाँ पीछे लगा देगा ताकि इन्हें ना आवे और ना हेने जाए ना हेने जाए। अच्छा हाँ, तो बस उसी वक्त से वहाँ पर इतने ही दूर में है सांप, इतने ही दूर में। अच्छा कौन सा सांप है? अब वो तो छुच्छा गौन लड़ा खूब बड़ा तो लड़ा गौन बड़ा है जी, बड़ा है। हमने मोटाई उसको देखा हुआ था। अच्छा। जब सुबह में इधर से इधर आया, हाँ। सुबह में हाँ। तो हम पानी वानी मार दिया कि सारा छुच्छा गौन भाग जाए, हाँ। लेकिन दोपहर के करीब वहाँ एक डिब्बा था, उस पर हवा तेज होती रहने उसी जगह टॉर्च मंगाइए, ठीक है? और इधर आप लोग थे ना जी, वहाँ पर चलो उधर नहीं ना, नहीं इधर आया है, नहीं इधर आया है, इधर नहीं दूर चलिए, इधर एक दो लोग आ जाएं, ठीक है? फिर मैं उधर घुसता हूँ, इधर एक दो लोग आ जाए जिससे कि वो देखते रहे। हाँ उधर जा रहे हैं, हाँ पागल भैया हवा है ना, वो लाठी ले ले हवा है ना बाहर निकलत निकलने देख ले छोटा डंडा दिए तो सब हटा हाँ जाने दी जाने दी हटाइए दोस्त, भैया होनी हो नजर बनाओ जा होनी जा लास्ट में जा जा। अरे वो तो गई कहाँ भागी भागी तो बहुत तेज भागी होगा।
आ गए। टॉर्च पकड़िए। कांटे में आके फंस गया भैया, डंडा लाए तो कांटे में फंस गया है कैसे अब चला जाए तो हमें गाला जाए, आप कौन दिक्कत है उनसे ना किसी सौदा टूटे कोई बात नहीं भैया। एक लोग आ जाएगा थोड़ा टॉर्च दिखाइए तो बस मुझे दिखता रहे कांटा कहाँ कहाँ फंसा होगा। बस यहाँ बैठ जाइए आराम, आप बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं, बैठिए यहाँ बैठिए। ना कुछ देखिए, हमारा ले जाना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है बस आपका जीवन बचाना और इसका जीवन बचाना, बाकी इसको पकड़ के बस इसके पर्यावरण में छोड़ देना, इतना ही काम है और कुछ काम नहीं। कर दे यदि हटा सकते हो तो हटाइए। एक किनारे से नुकसान ना हो आपका, देख सकते हैं संघर्ष किया जा रहा है, स्नैक बाइट हो चुका है, सांप मुझे काट चुका है और लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, सब प्रभु की कृपा है, आप लोगों का प्रेम है। इस पे देखिए ब्लड आ रहा है मेरे और सांप निकालते हैं फिर उसके बारे में बताते हैं हम। हटाइए सामने से, हटाइए सामने से, हटाइए यहाँ से, ये सब हटाइए। हाँ दिख रहा है ना, ठीक है तो ऐसा हटाई ना, पैर में रखूँ वहाँ पे एक दो टूटे तो कोई बात नहीं, रखिए सर टूटे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भैया कौन दिखा कांटा भी इसी में फंस गई, हटाओ वाला हटाओ हम जब भाई कांटा वाला हटाइए, तू जाना सर तोड़ दीजिए टूट जाएगा लाकड़ावा से काटो बता
तो हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, वीरों की धरती, शहीदों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश से मैं योद्धा पीएस आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबको बता दें कि ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि सुच्चा के हुवन है, करेज है, नहीं है। सबसे बड़ी जानकारी की बात यही है कि सांपों को पहचाना जाए हम लोग। जब सांप को पहचानेंगे तो कोई घटना नहीं होगी, हम लोग इतना डरेंगे नहीं, क्योंकि डर से ज़्यादा मौत हो जाती है। ये अपने गांव घर का ये धामिन इंडियन रेड स्नेक इसको बोलते हैं। इसमें 3-4 प्रकार की होती हैं, इसलिए लोग थोड़ा पहचान नहीं पाते हैं। यही स्नेक है धामिन, इसी को धामिन, इसी को धामन बोलते हैं। और जो एक अंधविश्वास है लोगों में, ये सांप पूंछ से मारता है तो गल जाता है, बचपन से सुनने को आ रहा है। जब पूंछ से मारेगा तो सड़ गल जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, स्नेक ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो जानकारी ही बचाव है, जब जानकारी रहेगी तो कोई खतरा नहीं होगा। ये काटती तो है, लेकिन जहाँ ये देखिए मेरे को स्नेक वाइज हो चुका है, ये काट चुकी है, ये देखिए ये काट चुकी है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। इसलिए आप लोग जानकारी लीजिए, खुद मेरे पे देखिए सामने आप लोगों के मिल गया। देखिए ऐसे ही जीवों को बचाने में हमारी मदद करिए, ये सब हमारे पर्यावरण मित्र हैं, ये सब रहेंगे तभी हम लोग सुरक्षित हैं। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक सांप होता है, क्योंकि ये चूहे खाता है, ये चूहे के लिए तो उधर भटकता रहता है और पेड़ पौधों में रहता है। ये चूहे खाता है सांप, और इससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई खतरा नहीं है इस सांप को। इंडियन रेड स्नेक गलत नहीं, धामिन है ये सब, अंधविश्वास है। धामिन पोंछ से मारे कुछ नहीं होगा, ये देखिए मेरे हाथ में ही है, कुछ नहीं होगा, ये सब पहले के लोग बता दिए हैं। दूसरी बात, कोई जहरीला सांप काटता है तो किसी की झाड़ फूक में न जाइएगा, नहीं आएगा, ये बड़ा होता है फैला जी। हाँ, इनके नर्सरी में था, बड़ा चाहिए भैया, बड़ा दे दीजिए, फिर कोई थैला या बोरा दे दीजिए, बोरा प्लास्टिक का बोरा दादा। दोस्तों, सांपों से जुड़ी जानकारी के लिए, जितने भी सांप हैं सबसे जानकारी के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, जितने भी आपके जानने वाले हैं, जिससे कि अंधविश्वास दूर हो और किसी घर पर हमें कोई घटना ना हो, कोई मौत ना हो, क्योंकि जानकारी रहेगी तो कहीं मौत नहीं होगी। इसको लोग करे तो गेहूं समझ रहे हैं, अभी ये काट लेगा तो लोग इधर उधर कहीं जाएंगे झाड़ फूक में तो बच जाएंगे, क्योंकि ये जहरीला नहीं है, तो फिर एक अंधविश्वास ही पनप जाता है। आप लोग के सामने देखिए काट चुका है मुझे, लेकिन कुछ होगा नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा इससे धैर्य रखिएगा, कुछ होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बेलथरा चौकिया मोड़ के पास हूँ, ये नर्सरी है हिंदुस्तान नर्सरी, और यहाँ पे हम आए हैं रेस्क्यू के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और यदि आप हमारी योद्धा पीएस टीम को कुछ डोनेट करना चाहते हैं दोस्त, तो आप डोनेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। देखिए फ्रेंड्स, ये स्नेक रिलीज होता हुआ आ रहा है ना। सो फ्रेंड्स, ये स्नेक देखिए अपने उचित प्रणाम निकल गया।